Hello students, welcome back to my YouTube channel. Now let's see example number 17. In a relay race, there are 5 teams A, B, C, D and E. So we have 5 teams and यहाँ पर अगर आप further पढ़ेंगे question में तो आपके पास सिर्फ 3 positions ही available हैं. What is the probability that A, B, C finish first, second and third respectively? So यहाँ पर उन्होंने ऊपर स्टेटमेंट में कंप्लीट नहीं क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके पास कितनी पोजीशंस हैं, बट यहाँ पर कंडीशन में आपको बस बताया हुआ है कि आपके पास पोजीशंस कितनी हैं. सो सबसे पहले हमारे पास 5 टीम्स हैं और कोई भी टीम आपकी फर्स्ट पोजीशन होल्ड कर सकती है, कोई भी टीम आपकी सेकंड पोजीशन होल्ड कर सकती है, ऐसे ही कोई भी टीम आपकी इनमें से थर्ड पोजीशन होल्ड कर सकती है. सो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से पहले आपको टोटल वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप फर्दर काम करेंगे अपने कंडीशंस के साथ. सो यहाँ पर मेरे पास टोटल 5 टीम्स हैं, ए बी सी डी एंड ई. सो कोई भी टीम फर्स्ट पोजीशन होल्ड कर सकती है, राइट? सो यहाँ पर इस बॉक्स में आने के लिए 5 टीम्स में से कोई भी एक टीम आ सकती है. सो हाउ मैनी चॉइसेस आई हैव हेयर टू पुट अ टीम फॉर अ फर्स्ट पोजीशन. सो 5 टीम्स अवेलेबल हैं अभी मेरे पास, राइट? सो 5 में से कोई भी आ सकती है. सो इसलिए यहाँ पर मैंने 5 लिखा है, बट यहाँ पर ऑलरेडी एक टीम आ चुकी है. सो यहाँ पर 5 टीम्स हैं, तो यहाँ पर अब कितनी रह जाएंगी? 4 टीम्स. सो 4 टीम्स में से कोई भी सेकंड पोजीशन होल्ड कर सकता है. सो यहाँ पर मेरे पास ओनली 4 चॉइसेस हैं फॉर अ टीम टू होल्ड फॉर अ सेकंड पोजीशन. फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन कोई टीम होल्ड कर चुकी है. सपोज ए ने फर्स्ट पोजीशन होल्ड करी एंड सपोज सी ने सेकंड पोजीशन होल्ड करी. सो सपोज ए एंड सी ऑलरेडी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं. सो रिमेनिंग टीम्स मेरे पास हैं बी डी ई. सो यहाँ पे 3 टीम्स हैं जो थर्ड पोजीशन ले सकती हैं और इनमें से वो कोई भी हो सकती है. सो मेरे पास यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं फॉर अ टीम टू होल्ड अ थर्ड पोजीशन. सो यहाँ पर कितने वेज हैं, क्योंकि मेरे पास 3 पोजीशंस ही हैं. सो मेरे पास इतने ही पॉसिबिलिटी हैं. सो 5 × 4 × 3 वेज हैं मेरे पास. कोई भी टीम, 5 टीम मेंबर्स यहाँ पर आपके, कोई भी टीम आपकी इन पर्टिकुलर पोजीशंस पे आ सकती है. सो इसी वे में आएगी. सो आपके टोटल वैल्यू बनती है 5 × 4 × 3, दैट इज 60. अब हमारे पास कंडीशंस गिवन है, उनके बेसिस पे हम आंसर देंगे और दोनों कंडीशंस में आपको प्रोबेबिलिटी ही फाइंड करनी है. सो जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो बेस में आपको लेना होता है टोटल, जो कि मैंने आपको फाइंड आउट कर दिया है. सो अब देखते हैं कंडीशन 1 क्या कहती है और कंडीशन 2 क्या कहती है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी फिनिश फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली. पहली कंडीशन ये कहती है कि आपकी जो टीम है ए बी सी वो बिल्कुल इसी ऑर्डर में आएगी और इसी पोजीशंस को होल्ड करेगी. सपोज मेरे पास फर्स्ट 2, सो मेरे पास 3 पोजीशंस ही हैं, 1, 2, 3, एंड आपके पास 3 टीम्स यहाँ पर आपको कंडीशन में मेंशन है, जो कि ए यहीं पर आएगी, बी सेकंड पोजीशन ही होल्ड करेगी, इसी तरह से सी थर्ड पोजीशन ही होल्ड करेगी. सो ये वन वे ही है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ए सेकंड आ जाए या सी फर्स्ट आ जाए, फिक्स है. सो ओनली वन वे है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट कंडीशन इज़ 1, बिकॉज ओनली वन वे इज़ देयर कि वो फर्स्ट पोजीशन ए ही होल्ड करेगा, सेकंड पोजीशन बी ही होल्ड करेगा एंड थर्ड पोजीशन सी ही होल्ड करेगा, और टोटल आपका आ जाएगा 60 नीचे. सो ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर. सो बी पार्ट का देखते हैं. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी आर फर्स्ट 3 टू फिनिश इन एनी ऑर्डर. सो हमारे पास 3 टीम्स ही हैं ए बी सी, जैसे ए पार्ट में थी, और मेरे पास 3 पोजीशंस ही हैं अभी भी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. लेकिन यहाँ पर आपका किसी भी ऑर्डर में आ सकता है. वहाँ पे फिक्स था फर्स्ट सेकंड थर्ड ए बी सी इसी तरह से आएंगे. यहाँ पर आपके जो ए बी सी हैं फर्स्ट 3 पोजीशंस कहीं पे भी आ सकते हैं इन एनी ऑर्डर. हो सकता है ए बी सी में से कोई भी फर्स्ट आ जाए. सो यहाँ पे मेरे पास 3 चॉइसेस हैं टीम को रखने के लिए. सपोज़ कोई टीम मेंबर यहाँ पर आ जाता है, सपोज़ फर्स्ट
कोई टीम आ जाती है, सपोज बी आ जाती है, तो मेरे पास टीम मेंबर्स कम हो जाते हैं, सो मेरे पास टीम कम हो जाती है। फिर सेकंड पोजीशन में लाने के लिए ए सी में से कोई भी आ सकती है सेकंड पोजीशन में, तो मेरे पास टू चॉइसेस हैं, सो मेरे पास टू चॉइसेस हैं यहाँ पर टीम को रखने के लिए फॉर सेकंड पोजीशन। ऐसे ही इस तरह से फिर वन, सो थ्री इंटू टू इंटू वन वे है मेरे पास ए बी सी को किसी भी ऑर्डर में रखने के लिए। सो यहाँ पे सिक्स आएगा ऊपर और टोटल आपका आएगा नीचे, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, सो दैट मीन्स 1/10। सो ये है आपका आंसर कंडीशन ए एंड बी का फॉर एग्जांपल नंबर 17। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।